आज मैं ये चिप्स के रोल का कुछ यूज करने वाली हूँ, इसका रीयूज करूँगी। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा था, तो मैंने सोचा इसे फेंकने के बजाय कुछ बना लिया जाए। तो मैंने ऊपर का पार्ट ऐसे कट कर लिया था, आप चाहें तो वो आप ना कट करें, एक बॉर्डर सा आपको मिल जाएगा। तो आप मैंने तो कट कर दिया, पर आप अब ये गलती मत करिएगा। हाँ, नीचे का बेस निकाल सकते हैं, अगर बीच से निकालें तो वो सही रहेगा। बॉर्डर आप छोड़ दें तो वो थोड़ा सा अलग लुक भी आएगा और थोड़ा सही भी लगेगा। तो उसके बाद मैंने इस पर ये रैपर छुड़ाने की भी कोशिश की, जितना छूटा तो छूटा, नहीं तो मैंने फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक और दूसरी साइड भी एक लाइनिंग कर ली है। उसके बाद मैंने हाफ हाफ दोनों को बराबर में कट कर लिया है, और जहाँ पे एजेज बराबर नहीं थे उसके, तो मैंने उसे कैंची से बराबर कर लिए। उसके बाद मैंने इस पर होममेड जेसो लगा लिया है, जिससे कि जो रैपर हटे नहीं थे वो अच्छे से वो विजुअल ना हो, वो छिप जाए और मेरा कलर भी अच्छे से खुल के आए। उसके बाद मैंने इस पर पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। आज जो भी मैं DIY इस पर करने वाली हूँ, काफ़ी कलरफुल और मतलब अलग ही लुक आएगा, थोड़ा सा पिचवई आर्ट कह सकते हैं, या आप देख के बताइएगा कि आपको ये कैसा, मतलब कौन सा आर्ट लग रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ डिजाइन किसी बॉटल पे देखा था, तो मैंने ऐसा नहीं देखा था हूबहू, पर कुछ पैटर्न मैंने वहाँ से ऐसा कुछ क्रिएट किया है। बाकी मैंने कुछ अपना भी इसमें लगाया है दिमाग, तो इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पहले, तो क्या मैं इस पे पैटर्न ड्रॉ करूँ। थोड़ा मैं उस बॉटल से इंस्पायर होके थोड़ा मतलब अपने हिसाब से, तो इसीलिए मैं बहुत दिमाग लगा के मतलब कैसा क्या ड्रॉ करूँ। इसीलिए देखेंगे कि इस पे बहुत सारे मतलब कट फिट भी हो गए हैं, पर आप ऐसे अगर नहीं समझ पा रहे तो जब मैं कलर करूँगी तो आप समझ पाएंगे कि मतलब कौन सी लाइन एक्चुअल कौन सी लाइन है। क्योंकि थोड़ा सा जब कुछ नया क्रिएट करो ना, तो उस टाइम चेंज होता रहता है माइंड कि कौन सा अब रखना है, तो फिर नहीं सही लगता है, तो फिर ऐसे चेंज होता रहता है। तो इस वजह से आपको फाइनल में समझ में आएगा, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको कलर करने के बाद समझ में आएगा, हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा कट पिट हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि सेम ही बनाते हैं दोनों को, फिर मैंने सोचा बाद में मेरा प्लान चेंज हो गया कि नहीं, थोड़ा सा दोनों को डिफरेंट रखते हैं। तो मैंने फिर उसको दूसरे वाले को थोड़ा डिफरेंट रखा है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा दोनों डिफरेंट है। हाँ, पर कलर जो है दोनों का सेम रखी हूँ, कि दोनों को एक होता है ना कि मतलब सेट बना रही हूँ दोनों का। तो मैं इन सब में जो जो कलर यूज की हूँ तो मैं आपको भी बताते चलूँ। मैंने ज़्यादा तो इसमें रेड और ब्लू और वाइट ही ज़्यादा यूज किया है, बाकी हल्का हल्का सब मैंने यूज किया है, और ऑरेंज भी। और इसमें मैंने नेवी ब्लू चाहिए था मुझे, तो मेरे पास पर्सियन ब्लू था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा ब्लैक, एकदम जरा सा ब्लैक मिला के मैंने डार्क ब्लू बना लिया है, जिससे मैं उस पर जो भी ड्रॉ करूँगी वो बहुत खुल के आएगा। तो और बाकी मिक्स मैच करके मैंने यही कलर सब मेन जो हैं यही कलर हैं, बाकी और सब मैंने मिक्स मैच करके मतलब और जो भी कलर बने हैं मैं वो करी हूँ। बाकी ऑरेंज, वाइट, डार्क ब्लू और रेड यही सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट कलर हैं। बाकी मैंने वाइट और रेड को पिंक कर लिया, इस तरह से मैंने सब वही कलर हैं, बस उनको थोड़ा सा कलर मिक्स मैच करके इधर उधर करके अपना कर दी हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग दी हूँ। हाँ, टाइम थोड़ा सा लगा था, पर बन के जो आया है आप वो देखिएगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि थोड़ा जो होता है ना कि टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
बहुत मज़ेदार हो जाती है। तो वही सेम मैं कहना चाह रही हूँ कि ये मुझे करने में बहुत मज़ा आ रहा था, और यहाँ मैं समझ नहीं पा रही थी कौन से खाने में बनाऊँ कौन से खाने में छोड़ूँ। तो कभी मतलब और उसमें कलर अलग अलग भी रखना था, तो इस तरह से मैंने अलग अलग कलर से इसको फिल कर दिया है। इस तरह से आप कोई भी पैटर्न इसमें ड्रॉ करके इसको भरते जाइए, मतलब भरना था, काफ़ी मज़ेदार था। तो हाँ, मैं एक और बात बता दूँ, मैंने जो दूसरा बनाया है और ये बनाया है, तो इसमें मैंने जो बॉर्डर बनाया है इसमें मैंने ट्रायंगल रखा है, और जो दूसरा रहेगा तो वो आप जब दूसरा बनाओगे तो देख लीजिएगा। बस बॉर्डर में और जो बीच का मेन पैटर्न है वो मैंने चेंज रखा है, बाकी लगभग मिलता जुलता मैंने दोनों का सेम रखा है, क्योंकि मुझे एक सेट तैयार करना था इसीलिए ज़्यादा मुझे अंतर नहीं करना था। और फिर मैंने ट्रायंगल यहाँ पे मिरर चिपका दिए जिससे इसका लुक और भी खुल के आने लगा, और इस तरह से फिर मैंने, और हाँ आप अगर हो सके तो जब पूरा कंप्लीट हो जाए तभी मिरर चिपकाएं। मेरे से ये गलती हो गई, मैंने पहले से ही मिरर लगा दिया, उसके बाद मैं बीच का पैटर्न ड्रॉ कर रही थी तो मुझे दिक्कत आ रही थी, और ये तैयार हो गया था। मैं अब बाद में उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब ये है मेरा दूसरा, तो इसमें भी देख रहे होंगे काफ़ी कट बिट हो गए हैं, पर आप डोंट वेरी, आप मेरा जो भी कलर करते हुए पैटर्न देखेंगे ना तो आपको समझ में आता जाएगा। तो मैंने बताया था ना कि पहले में मैंने ट्रायंगल बॉर्डर बनाया था, मैंने इसमें स्क्वायर बॉर्डर बनाया है, बस मैंने थोड़ा सा यही अंतर रखा है। और बीच में जो बनेगा आप लास्ट तक बने रहिए उसको देखने के लिए कि मैं बीच में क्या बनाती हूँ। और वही घिसा पिटा मैं फिर से कहना चाहूँगी, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा और शायद मुझे भी बार बार एक ही चीज़ कहना अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, हम यूट्यूबर का काम ही है कि इतना ना बोले तो शायद काम ही ना चले। ज़रूरत तो होती है, मुझे भी ज़रूरत है तो इसीलिए बोल रही हूँ। चलिए ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, बता देती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं नए वीडियो जब अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जाते जाते एक लाइक कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिएगा, कभी कभी आपके कमेंट तो बहुत ही मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इस समय तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। अगर कोई कमी भी हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, आप सजेस्ट करेंगे तो मुझे और अच्छा ही लगेगा। तो आप देख रहे होंगे कि पैटर्न मैंने लगभग सेम ही रखा है, थोड़ा बहुत कहीं चेंज किया है जो मुझे उस टाइम लगा होगा, बाकी मैंने सेम ही रखा है। और ये इस टाइप से मैं मतलब दोनों को मिला के चल रही थी कि लगभग एक ही जैसा हो, तो उसमें टाइम लग रहा था, तो मैंने लगभग थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी कलर जो है सेम है, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ एक सेट सा लग रहा था। और इस तरह से वाइट सा उसमें फिल कर दिया, तो मतलब ब्लू में, डार्क ब्लू में और रेड के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन तो अलग ही आ रहा था। तो आपको ये सब मतलब मेरा जो ये डिज़ाइन बनाया हुआ, ये चिप्स रोल का यूज रीयूज किया हुआ आइडिया आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो आजकल ऐसे बहुत चल रहा था, तो मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, तो आप बताइएगा फिर आपको ये सब कैसा लगता है। तो इसमें मैंने बीच में इस पैटर्न में मछली बनाई है, उसमें कमल बनाया था, बस मैंने ये अंतर किया है और मिरर चिपका दिया है, और ये तैयार हैं दोनों इस तरह से। और ये पीछे मैंने ऐसे डोरी कर दी है कि आप हैंग करना चाहो या रखना चाहो।